सवालत भी थे और वो चूंकि ऐसे सवाल थे जिनका बराह लुक इल्म से है मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं उन सवालों के जवाब आपके सामने भी पेश कर दूं का पहला सवाल ये था कि रब के नूर का रंग क्या है हकीकत तो यहां किसी गुफ्तु में बल्कि एक से जायद मरतबा मैंने एक अर्ज की सीखे और लाला के दो नूर के दो रंग हैं, एक जो उसकी जात का नूर है वो तो बहुत हल्का लेकिन इंतहा चमकदार ब्लू है और जो उसकी कुदरत का उसकी खुदाई का नूर है वो मिल्की वाइट लेकिन इस कदर चमकदार कि वो चमक की उन हदों तक जा पहुंचता है जहां वो स्याही मायल हो जाता है वो बन उनके जहन में यही एक कंफ्यूजन था कि मैंने उसमें किसी गुफ्तगू के दौरान ये कहा होगा कि जहां बहरे नूरे मरविद है वहां स्याही है और चमकदार स्याही है तो उनके जहन में शायद ये सवाल पैदा हुआ कि वो रंग है रंग नहीं है वो जहां चमक और सफेदी बेपना हो जाए तो इंसान की नजर का धोखा यह होता है कि वो चमकदार स्याही है जिस तरह से हम लोहे को जब गर्म करते हैं अब लोहा, लोहा जो है वो ग्रेश ब्लैक है जब हम उसे गर्म करते हैं वो तकरीबन कोई साढ़े चार सौ डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना रंग थोड़ा सा बदलता है उसमें सफेदी झलकने लगती है लेकिन 500 से 600, 650 डिग्रीज तक जाते जाते वो रेड हॉट हो जाता है और 700 हंड्रेड डिग्रीज पर वो इतना रेड हॉट होता है कि उसमें से रोशनी फूटती है बाकायदा और उसके बाद उसके पिघलने का अमल शुरू होता है पिघलने के अमल से पहले और रेड रेड हॉट के दरमियान एक स्टेज आती जहा वो व्हाइट हॉट होता है वो सफेद हो जाता है बजाय सड़क होने के उसके बाद पिघल जाता है तो इसी तरह सफेदी अगर वो इंतहाई चमकदार है तो आंखों को इस तरह खीरा करती है वो स्याही, चमकदार स्याही माइल से फैदी हो जाती है। इसलिए कायनात के अंदर भी जो दो रियलिटीज़ हैं, एक तो यह है कि जहां जिंदगी नहीं है वहां वो यक बसता है क्योंकि जिंदगी के पिनपने के लिए हमें बुनियादी तौर पर तीन चीजों की जरूरत हो तो गई हवा पानी और हरारत तो जहां जिंदगी नहीं है वहां कायनात यक है बिल्कुल एक तो एब्सोल्यूट रियलिटी कायनात की यह है कि वो जहां जिंदगी नहीं वहां वो यख है और दूसरा ये है कि वहां कायनात में जहां जिंदगी नहीं है वहां अंधेरा है स्याही है और ये वही स्याही है जिसका जिक्र मैंने किया आपसे तो रबला के नूर की शिद्दत का ये आलम है कि जहां उसके उसका नूर बरसता है वहां चीजें शाही माइल हो जाती मक्का मकरमा में जो पहाड़ियां खाने काबा के इर्द गिर्द हैं उनकी रंगत को अगर हम देखें तो स्याही माइल है जबकि उनके पीछे जो पहाड़ियां हैं वो अपने असल रंग पर हैं, और खाने काबा का जो गलाब स्या कर दिया गया था पहले एक जमाने में ये ग्रीन होता था तो वो उसकी नस्बत भी यही है कि नूर की इंतहा यह है कि चीजें ब्लैक दिखाई देती हैं तीसरी एक बात उन्होंने जो पूछी थी बात यह है कि कायनात इतनी वसी है और रफ्तार की कुदरत कारखाने कुदरत इतना वसी है मैं अक्सर बेशतर यहाँ गुफ्तु में कहता हूँ कि सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतनी तफसील से किसी ने नहीं देखा जिस तरह तफसील से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब महराज शरीफ पर तशीफ ले गए तो रास्ते में हजरत जिब्राइल सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ मकामात दिखाते हुए ले गए थे और वो जो मकाम थे हर मकाम पर आप वसल्लम को रफ्तार ने एक नया नाम अता फरमाया था इस तरह तफसील से कायनात को सिर्फ आप अलैहि वसल्लम ने देखा बाकी नहीं देख पाया होता यह है कि रफ तला किसी से राजी हुआ उस पर मेहरबानी फरमाई और उसको कोई एक मकाम दिखा दिया अब जो मकाम उसने देखा है उसको तो लोगों के सामने अगर वो बयान कर दे अगर बयान कर दे और वहां कोई महफिल में बैठा हुआ आदमी ये सवाल करे कि साहब आपने ये मुझे तीसरे आसमान पर बने हुई हमारा और वहां बसने वाली मखलूक उसकी शक्ल तो बता दी लेकिन ये बताइए कि पहले आसमान पर क्या है और दूसरे आसमान पर क्या है अब उसको उस पर तो रहमत की अल्लाह ने कि उसको तीसरा आसमान की जरूरत करा दी अब वो विचार क्या बताएगा कि पहले आसमान पर क्या है और दूसरे पर क्या है इसी तरह अगर किसी ने मंतहा को देख लिया उस पर रहमत हुई अल्लाह की अल्लाह ताला ने उस पे खुश होके उसको ये इनामता फरमाया कि को उसने देखा और वो लोगों को किसी अनगार्डेड मोमेंट में जोश में आके बता दे कि वहां पर जहां से एंटर होते हैं वहां इस शक्ल का रास्ता बना हुआ है दरवाजा बना हुआ है गेट वे इस तरह इस डिजाइन का है वो ज्यादा सही लफ्ज है वहां बैठने वाले ये धोखा खा के साहब ये तो बहुत पहुंचे हुए आदमी तो के गेट वे भी इन्होंने देख लिया तो वो पूछ के साहब पांचवे आसमान पर क्या था तो गरीब आदमी क्या बताएगा क्योंकि उस पर तो अल्लाह की रहमत हुई रफ ने इनाम के तौर पे उसे दिखा दिया अगर तो वो वाकई साहिब इल्म है उसके पास एल्म है तो उसे उस इल्म की वजह से अपनी अपने आजिज होने का अंदाजा है कि मैं किस हद तक मजबूर हूं और किस हद तक आजिज हूं कितना छोटा आदमी हूं तो मैं तो मोहताज हूँ अल्लाह की रहमत का कि रब ताला अपनी रहमत के सदके मुझे कोई भी जगह दिखा दे तो वो आपसे पलट के सीधा सीधा कह देगा कि भाई मैंने तो यही देखा था और मैंने आपको बता दिया लेकिन अगर कभी मेरी तरह का इंसान है तो वह बाएं शायें करने लगेगा आपको बहलाता रहेगा क्योंकि उसके अंदर वो बड़पन नहीं है कि वो ओपनली कह सके कि साहब नहीं मैंने तो नहीं देखा ये। किसी साहेब इलम से पूछ लीजिए अगर कोई बता सके आपको मैंने एक एग्जाम्पल उन्हें दी थी बल्कि यहाँ किसी गुस्तु के दौरान ये मैंने अर्ज किया था कि एक बहुत लंबा अगर एक हॉल है उसमें कई एक दरवाजे हैं तो लोग जो उस हॉल के बाहर फिर रहे हैं वो अपने अपने ख्याल का इजहार करेंगे कि इसके अंदर ये है इसके अंदर ये है इसके अंदर ये है देखा किसी ने नहीं, नहीं है एक आदमी को मौका मिलता है उसका जो पहला दरवाजा है कोई खोल देता है कि लो देख लो अंदर क्या है तो वो अंदर देखता है कि वहां कुर्सियां पड़ी हुई हैं तो सबको बताता है कि भाई ये तुम जो ख्याल कर रहे हो कि अंदर ये होगा ये होगा ये होगा वहां कुछ भी नहीं वहां तो सिर्फ कुर्सियां पड़ी हैं अब दूसरा आदमी है उसपे ज्यादा रहमत हुई है। उस हॉल का दूसरा दरवाजा किसी ने खोल कर उसे दिखा दिया तो पता लगा अंदर कारपेट्स पड़े हुए हैं तो लोगों से कहता है कि वहां तो कुर्सियां और कारपेट भी है अब जिसने कुर्सियां देखी है वो कहता है ये झूठ बोलता है इसको क्या पता वहां क्या है ये तो ऐसी कह रहा है कि कारपेट है लेकिन अगर वो समझदार है तो पूछ लेगा कि तुमने कहा से देखे कारपेट? वो कहता है साहब ये दूसरा दरवाजा किसी ने खोल के मुझे दिखाया था लाइट जलाई तो अंदर एक तरफ को कुर्सियां पड़ी थी और बाकी कारपेट्स थे इस तीसरे दरवाजा कोई खोलता है देखता है तो जितनी किसी की एक्सेस है उस हॉल को देखने की उसने बता दिया कि उस हॉल के अंदर ये ये पड़ा है तो गलत वो भी नहीं कह रहा जो कह रहा है कि कुर्सियां इस, हैं इसलिए कि उसने देखा ही उतना था तो रबताला जितनी जितनी इनायत करता है जितनी इजाजत देता है किसी साहिब इल्म को उसके कारखाने कुदरत में झांकने की वो इतना उससे बयान कर देता है लेकिन कोई ये पूछे कि इससे आगे क्या है वो नहीं बता पाएगा जो इल्म के मकाम पर पहुंचा है कहीं उसके अंदर आप दो चीजें वाजे तौर पर पैदा होती भी देखेंगे ये साहिब इल्म होने की दलील है उसकी एक तो ये है कि वो अपने बारे में दावा नहीं करेगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं या मेरे पास इल्म बहुत है या ये कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं ये दावा नहीं करेगा कभी जो जो किसी को इल्म मिलता है उसको अपने छोटे होने का एहसास उतना ही बढ़ता चला जाता है एक तो ये उसके अंदर होगा कि वो अगर आपसे कहेगा आप उससे कोई सवाल पूछे उसको नहीं आता तो बड़े इतमान से आराम से आपको ये कह देगा कि साहब इसका मुझे नहीं पता किसी और से पूछ लीजिए वो बता देगा आपको क्योंकि दुनिया में एक से एक इल्म वाले पड़े हैं वो आपको दूसरी जगह रेफर कर देगा तो एक तो उसमें दावा नहीं होगा ये दलील है किसी के साहब इल्म होने की दूसरी बात ये है कि वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं सब कुछ जानता हूं और उसके साथ साथ उसमें ये अखलाकी जरूरत पैदा हो जाएगी कि बगैर किसी हिचकिचाहट के वो आपको ये कह सके कि साहब मैं तो इतना ही जानता हूं इससे ज्यादा मुझे नहीं पता इसलिए कि उसको अंदाजा हो गया है इल्म की आखिरी हद को उसको भी पता नहीं है कि क्या है लेकिन इल्म मिलता रहा जो जो इल्म में वो आगे बढ़ा तो उसकी आंखें खुलती चली गईं कि इल्म यहां तक भी है उससे आगे बढ़ता तो फिर उसको और होता है कि अच्छा इससे आगे भी इल्म था तो एक वक्त आता है कि उसको ये यकीन हो जाता है कि इल्म बहुत दूर है मैं तो अभी बहुत पीछे हूं तो इस वजह से वो फिर ये कहता है कि साहब मैं कुछ नहीं जानता ये किसी के साहिब इल्म होने की ये दलील है कि वो अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करता है तो उसमें दावा नहीं होता कभी और जितना ज्यादा इल्म होगा उतनी आजजी होगी बंदे में जिस तरह से ये कहा जाता है कि जो खुद इज्जत वाला है वो दूसरे को इज्जत देता है और फकीर लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में बोल देते हैं कि जो दूसरों को इज्जत देता है रब उसको इज्जत दे देता है जिसमें आजी आती है रब ताला उसे अपनी मखलूक में बाइज्जत कर देता है ये मैं एक बात इसीलिए अर्ज किया करता था तो नहीं कहता कि जो लोगों का फुटमैट बन गया रब ने उसे अपने मखलूक के सर का हेड बना दिया है जिसमें आज़ी है रब ताला उसे मखलूक में बाइज्जत कर देगा और जिसमें दावा है उसके साथ सलूक इसके बरक्स हो जाता है एक सवाल है कि के कहके रफ्ता ने फरमाया मैंने जमीन और आसमान छह दिनों तखलीक किए फरमान ये है कि मैंने ये कायनात छह दिन और छह रातों में तख़लीक की उसके सही तर्जुमा ये है जब ये चीजें की तो उस वक्त हमारे निजाम शमसी के दिन रात वजूद में नहीं आए थे क्या हम इसका एक दिन पचास हजार साल बतौर एदीस लें या ये राज की बात है कि इसके एक दिन की मुद्दत का अंदाजा नहीं है ये राज है कि रब तला के यहाँ जो टाइम स्केल है उसकी हमारे टाइम स्केल से रिलेशनशिप क्या है लेकिन में है कि वो एक साल पचास हजार साल के हमारे पचास हजार साल के बराबर है एक दिन वहां का तो चूंकि उस वक्त कायनात वजूद में नहीं आई थी टाइम स्केल मैयर किया जाएगा रताला ही के टाइम स्केल के साथ इनका अगला सवाल यह है कि पिछले सवाल के मुताबिक उसने दिन का जिक्र किया है इंसान ने जो जमीन पर दिन देखा है उसमें दिन और रात दोनों एक दिन में शामिल होते हैं लेकिन उसके यहाँ क्या मामला होगा पिछला सवाल मुद्दत से ताल्लुक रखता है इस सवाल में दिन की खबूसियात जानना चाहता हूं तो मैंने जब आपका सवाल पढ़ा था तो शुरू में अर्ज कर दिया था कि कायनात की तखलीक छह दिन और छह रात में हुई है तो रफ्ताला ने क्लियरली मेन्शन कर दिया हुआ है तो आपके इस सवाल का जवाब तो मैंने पहले ही आपकी में अर्ज कर दिया सवाल है कि क्या कद्र तमाम जमीन पर एक ही रात में होती है अगर ऐसा है तो फिर हर जगह एक वक्त में रात नहीं होती अगर इस जमीन से बाहर निकल जाए तो रात और दिन की टाइमिंग भी तब्दील हो जाएगी अगर हम इसी निजाम शमसी में रहें तो इस निज़ाम शमसी से बाहर निकल जाए तो दिन और रात अक्सर बदल जाएंगे। क्या एक बाजलू है जो रमजान के आखिरी अशरे में हर वक्त होता रहता है हम इसी यकसुई में कमाल हासिल करके ताक रातों में इससे फैस पा सकते हैं इसका जवाब इस सवाल के जवाब आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये समझ लें फ़ज़र, जब आप इंग्लैंड में होते हैं तो सर्दियों में पाकिस्तान के पांच घंटे के बाद पड़ते हैं गर्मियों में चार घंटे के बाद पड़ते हैं अमेरिका में कुछ जगहों पर नौ घंटे के बाद कुछ जगहों पर बारह घंटे के बाद ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट का फर्क पड़ जाएगा मगर और मश्रक यूरोप में तीन घंटे के बाद पढ़ेंगे आपसे गर्मियों में और चार घंटे के बाद सर्दियों में इसी तरह जो रोजा इफ्तार करते हैं हम उसका फर्क भी है टाइम का इससे एक चीज वाजे हो जाती है कि इंसान पर टाइम वो लागू होता है जिस जगह वो रह रहा है उसका लोकल टाइम जिसका ताल्लुक सूरज से है नमाज के सिलसिले में और रोजा रखने और रोजा इफ्तार करने में और कमरी महीने का ताल्लुक चांद से है उसके तो इंसान पर टाइमिंग वही लागू होते हैं इसी यही फार्मूला लैलतुल कदर पर लागू हो जाएगा कि जो आदमी जहां रहता है उसके लोकल टाइम के मुताबिक और कमरी तारीख के मुताबिक वहां लैलतुल कदर वाकिफ होगी सिर्फ हज इससे एग्जेप्टेड है इसलिए कि हज सिर्फ एक ही जगह पे होता है वह हमारे यहां हज हो नहीं सकता वह हज वाक होगा मैदान अरफात में मकम कर्मा में तो उस पर वहीं का टाइम एप्लीकेबल है वही की कमरी तारीख एप्लीकेबल है वो तो अगर ये क्लियर ना मैं करूं, तो फिर ये सवाल उठेगा कि हज पर क्या हुआ तो चूंकि वाकई ही सिर्फ सऊदी अरेबिया में होता है इसलिए उस पर एप्लीकेबल है वहां का लोकल टाइम और वहां की कमरी तारीख तो लैलतुल कद्र जो है वो वाकई होगी हमारे लोकल टाइम के मुताबिक और लोकल कमरी तारीख के मुताबिक बाकी जहां तक रहमत की बात है तो वो तो रब की रहमत हर वक्त नाजिल होती रहती है उसकी कुदरत से बीत कुछ नहीं है और ना उसको कोई ज़हमत होती है कि जितने भी दुनिया में टाइम जोन है वो लतर को अगर वहां अह वाक करे तो रब के लिए कुछ मुश्किल होगा बिल्कुल नहीं उसकी रहमत का नजूल तो हर वक्त होता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जब सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो वहां जोग्राफी के टीचर क्लास सिक्स में हमें पढ़ाते हैं कि दिन और रात किस तरह से बखू पजीर होते हैं प्लेनेट अर्थ पर तो उसमें वो एक ग्लोब जो इलेक्ट्रिकली घूमता है और उसकी एक साइड पर बल्ब जल रहा होता है तो बल्ब जला के उसको घुमाते हैं प्लेनेट को तो बताते हैं कि देखिए जो इससे रोशनी में आ गए हैं बल्ब की यहां दिन है और जो रोशनी में नहीं है वहां रात है तो रोशनी तो मौजूद है सिर्फ घूम रही जो हिस्सा सामने आया उस रोशनी के वहां दिन आ गया तो इसका मतलब ये है कि रोशनी का वजूद तो फिर मुस्तकिल है सिर्फ जमीन के उस हिस्से का सामने आने का है तो वो डिपेंड करता जमीन का हिस्सा सामने कैसे आया तो कद्र में भी यही मामला है वो हमारे यहाँ लोकल कमरी तारीख और लोकल टाइम ही गिना जाएगा इनका अगला सवाल है कि कहा जाता है कि खाने काबा कि बिल्कुल सीध में ऊपर सातवें सातवें आसमान पर मामूर है हमारी जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो माल की सीध में का मतलब यह है कि मामूर भी रोटेट कर रहा होगा तो इससे तो लगता है कि मामूर एक प्लेनेट है या ये एक प्लेनेट पर है और हमारी जमीन सूरज के गिर चक्कर लगा रही है तो बैतुल्ला की सीध में मामूर का मतलब वो भी किसी के गिर चक्कर लगा रहा है बर मेहरबानी वजाहत कर दे आप कार चलाते हैं कार की हेडलाइट छोटी सी है लेकिन अगर आप कार से आधे मील आगे का आगे की जगह देखते हैं तो वो न सिर्फ ये कि पूरी सड़क बल्कि सड़क के दोनों तरफ तकरीबन कोई पचास पचास फुट का एरिया भी रोशन होता है सूरज इतना सा है लेकिन जमीन से कई हजार नूरी साल के फासले पर है वहां से उसकी रोशनी इस तरह फैली हुई है कि जमीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने है वो उसकी रोशनी में है चांद भी उसी से रोशनी लेता है सितारे भी उसी से रोशनी लेते हैं तो बैतुल मामूर जमीन से इस कदर बुलंदी पर है कि जमीन की रोटेशन के बावजूद उसका फोकस या उसकी प्रोजेक्शन ये ज्यादा सही लफ्ज़ है वो वहीं के वहीं रहती है क्योंकि जिस तरह कार की रोशनी इतनी सी लाइट में से निकल के आधे मील दूर पर चारों तरफ फैली हुई दिखाई देती है आपको रोशन दिखाई देती है सड़क भी और उसके असराफ भी तो इसी तरह उसकी प्रोजेक्शन उस पर रहती है उसमें यह नहीं है कि मामूर एक प्लेनेट पर है ऐसा नहीं है। अगला सवाल यह है कि मेरे ख्याल के मुताबिक जब रब ने कह दिया कि हर इंसान का रिस्क मुकर है तो दुआ करने से या करवाने से रिस्क कैसे बढ़ सकता है जो चीज फिक्स है वो तो फिक्स है दुआ करने से बरकत आती है और इंसान को तसल्ली और इतमान मिलता है वजाहत करें आदमी का रिस्क फिक्स है जैसे आपने फरमाया तो ये क्या होता है कि मैं काहिल आदमी हूं कामकाज नहीं करता वो तमाम क्लास फेलोज जिन्होंने मेरे साथ तालीम मुकमल की थी उनमें से कोई सत्तर लाख रुपया तनख्वा ले रहा है कोई अस्सी लाख रुपया तनख्वा ले रहा है इस वक्त और मैं वही लॉर्ड लो, डिविजन क्लार्क कर लॉर्ड डिविजन क्लार्क बैठा हुआ हूं तो ऐसा भी नहीं कि मेरे सारे क्लास फेलो एटी लैक्स ही तनख्वाह ले रहे हूं। में भी वेरिएशन है जो बिजनेस में गए उनमें से भी कोई बिजनेस के किसी मकाम, कोई किसी मकाम पर जा पहुंचा कोई किसी मकाम पर जा पहुंचा कोई किसी मकाम पर जा पहुंचा तो फिर वो क्या है असल में रिस्क मुकर है इसलिए मतलब समझना पड़ेगा कि इससे ताला का मतलब क्या है कि हर शख्स को रिस्क मिलेगा उसकी खुदाई में अब वो रिस्क मिलकर रहेगा उसे कोई रोक नहीं सकता कि फिक्स से मुराद वो है और अगली बात उसने कुरान में ही क्लियर कर दी कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है अब इन दोनों बातों को मिला के पढ़ लीजिए इसलिए हमेशा यहां जब कोई साहब कहते हैं कि शायद आयत की वजहत कर दें तो मैं माजरत कर लेता हूं कि किसी भी आयत को हम इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसलिए कि उससे मुतल और बहुत सी चीजें कुरने पाक में मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मुख्तलिफ आयात की सूरत में आई होंगी तो हमें उस आयत से वो जो मुत्लिक दूसरी आयात है उनको उसके साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा तब उसकी तशरी होती है उसकी तबसर होती है अगर रिस्क के फिक्स होने को उन मायनों में हम ले लें जिन मायनों में हम दुनिया में अपनी जुबान में फिक्स कहते हैं कि मुकर्र है कि आपकी तनख्वाह हजार रुपये मुकर हो गई अब वो हजार रुपये है उन मायनों में नहीं ले पाएंगे हम इन मायनों में लेंगे कि हर शख्स का रिस्क अल्लाह के जिम्मे है और तय है कि रब की खुदाई में रहने वाले हर जानदार को उसका हिस्से का रिस्क मिलेगा और उसके बाद फिर ये बात कहने के बाद उसको मशरूत कर दिया है कि वो जो उसको जिंदा रहने के लिए रिस्क चाहिए वो तो मिलेगा उसको लेकिन उसमें इजाफा और कमी मशरूत है उसकी मेहनत के साथ ये इसको उस रेफरेंस से देखिए फिर क्लियर हो जाएगी आपके बात आपने बहुत लोग देखे मैंने देखे जिंदगी में आपका मैं नहीं कह सकता यकीनन आपने भी देखे होंगे जो कामकाज बिल्कुल नहीं करते लेकिन जिंदा है मजे से कहीं ना कहीं से रब उनको रिस्क फ्राहम कर रहा है अपने किसी बंदे के दिल में डाल दिया कि इसको दे दू इतने पैसा अपने किसी बंदे के दिल में डाल दिया इसको कपड़ा दे दो। तो ऐसे लोग जो काम काज नहीं करते आपको काफी वेल ड्रेस भी नजर आएंगे और खाते पीते नजर आएंगे आपको तो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डाल देता खुद तो नहीं जमीन पर उतरता लेकिन अपने बंदों के दिलों में डाल देता कि मेरे इस बंदे को ये दे दो तो यूं वो रिस्क उनका भी है आप देख लीजिए आपके एक दिन मिसाले बहुत मिलेंगी कि काम काज कुछ नहीं करते सारी उम्र गुजारा कर गया इसी तरह पलते रहे उनकी औलाद भी पड़ गई उनकी औलाद भी, भी पलती रही खुद भी पलते रहे तो जो रिस्क है वो तो अल्लाह के जिम्मे है वो उसने देना है लेकिन उसको फिर उसके साथ मिला लीजिए कि उसके अंदर अफरात तफरी मशरूत है इंसान की मेहनत के साथ किसी साहब ने पूछा है कि बाज़ बाजिया कराम फरमाते हैं कि रियाजुल जन्ना में दरबार आम और रोजा मुबारक में दरबार खास सजता है इस बारे में कुछ कहिए। इनके बारे में टू तो स्टार्ट विथ वही आदमी कहेगा जो अल्लाह है किसी मकाम पे पहुंचा हुआ है तो मुझे इंसान क्या आप शेयर्स कर पाएगा एक तो पहली ये बात है दूसरी बात ये है कि जो जिसको एक्सेस है वहां तक, तक की अल्लाह ने उसको इतना बड़ा जर्फ दिया है कि वहां की बात कहीं बाहर करता नहीं है इसलिए कि कुछ बातें राज की हैं वो नहीं बताई जा सकेंगी इसलिए इसके लिए तो मैं माफ चाहता हूँ इनका सवाल ये है कि आप सुल्लाव, सुल्लाव के हयात मुबारक जब हम पढ़ते हैं तो दिल में एक तरफ बहुत शिद्दत से एक खाश पैदा होती है कि हम आप वाले वसल्लम के जमाने में होते आप सल्ला वसल्लम के कुर्ब बन रहते और आप अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निचावर कर देते तो दूसरी तरफ हम अपनी मौजूदा हालत और अमल देखते हैं तो शर्मिंदगी का गहरा एहसास आन घेरता है, है कि एक अच्छे उम्मती वाली एक खूबी भी, भी अंदर मौजूद नहीं इतना ताजा क्यों है हमारे अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जनाब कद्दूस गंगोही साहब उनके अकीदतमंदों की और मुरीद की तादाद बहुत बड़ी थी एक बार उनके एक ऐसे मुरीद आए जिनके पांव में जूता नहीं था तो जनाब गंगोही साहब ने देखा कि वो नंगे पांव हैं और दूर से आता चल के तो अपना जूता उन साहब को दे दिया कि ये जूता पहना करो अगली बार जब वो मुरीद हाजिर हुए खिदमत में तो देखा कि फिर नंगे पांव हैं तो आपने फरमाया कि मैंने तुम्हें जूता दिया था कि तुम नंगे पाओ ना फिरो तो नंगे पाँव फिर फिर रहे तुमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया उसे उन्होंने कहा कि हजूर बात यह है कि आपके साथ जो अकीदत है मेरी और जो एहतराम है मेरे दिल में आपका वो इजाजत नहीं देता कि मैं जो जूता आपके पाँव में रहा उसमें अपना पाँव डाल दी तो मैं तो उसको सर पे लेकर फिरता हूं तो जनाब गंगोही साहब ने एक सवाल उस मुरीद से पूछा कि ये बताओ हुक्म अवलियन हैसियत रखता है या अकीदत? वो साहब जरा गड़बड़ा गए लेकिन दूसरे एक मुरीद ने कहा कि हजूर क्म को फजीलत है अकीदत पर तो फरमाया कि फिर मेरे हुक्म की तामील करो इस्तेमाल क्या करो यहां भी कुछ किस्सा ऐसा ही है हमारे लिए हमारी मोहब्बत और हमारा इश्क आप सल्म के लिए आप सलम के हयात तय्यबा पढ़ते वक्त हमें उधर को ले जाता है कि काश हम वक्त पैदा हुए होते तो हम आप वसल्लम की जियारत भी करते आप वसल्लम पर जान भी निछावर करते ये इश्क है मोहब्बत है अकीदत है जिससे पैदा होती है आप वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की जाए आपके फरमुदात की भी पैरवी भी की जाए वह हमसे उस मुरीद की तरह होता नहीं है। हम वो तो चलिए अकीदत के मारे हुक्म मदूली कर रहा था तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उधर तो जो नहीं दे पाते इसलिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पे अमल करेंगे तो फिर हमें इशार और कुर्बानी से काम लेना पड़ेगा मैं जब रिश्वत ले रहा होता हूँ तो बारह ख्याल आता है कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जानुमी हैं। है आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन जब वो बात याद आती है तो ये मुझे रिश्वत लेने से रोक नहीं सकी आज तक बात इसलिए कि फौरन ख्याल आता है कि अगर मैंने इस डर से रिश्वत ना ली तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे तो मैं फौरन रिश्वत के पैसे पकड़ के जेब में डाल लूंगा जब मैं किसी का हक मार रहा होता हूं तो मुझे यकीन याद आता है कि इसकी सजा क्या है लेकिन फिर यह ख्याल आता है कि अगर मैंने इसका हक ना मारा तो मैं पीछे रह जाऊंगा तो पीछे रह जाने का डर मुझे वो बात मानने नहीं देता उम्मती तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन सवाल यह है एक एक मुझसे सवाल एक पूछा उन्होंने किस्सा सुनाया उन दिनों जनाब जनरल हक साहब जिंदा थे और सऊदी अरेबिया कसरत से जाते थे हर मरतबा रोजा मुबारक में दाखिले की साजत उन्हें हासिल तो सर्वेंट रिटायर हुए हुए थे तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा के देखिए वो अखबार में था कि जनाब जनरल जयाक साहब को शादत नसीब हुई के रोजा मुबारक अंदर दाखिल होकर हाजरी दी है तो मैंने कहा कि मैं जनरल अयूब खान के साथ होता था तो जनरल अयूब एक बार मदीना मुनव्वरा गए तो उनके लिए रजा मुबारक का दरवाजा खोला गया और उनसे कहा गया कि आप अंदर जाके زیارت कर लीजिए उन्होंने एक कदम उठाया एक कदम उनका अंदर था और एक बाहर फौरी तौर पर लौट आए वापस आ गए वो नहीं गए अंदर कहने लगे कि मैं नहीं समझता मैं इस लायक हूं कि मैं अंदर दाखिल हो सकूं तो ये उसकी बदनसीबी नहीं थी मेरे जहन में उस वक्त एक ही जवाब आया शायद अयूब खान खाननी तौर पर ज्यादा बड़ा आदमी था कि जिसको अपने गुनाहों का इतना एहसास था जिसको ये एहसास था कि मैं ऐसा नालायक उम्मती हूं कि जो गुनाहों से बाज नहीं आता तो मैं कैसे मुंह दिखाऊं आप वसल्लम को तो बात यह है कि ये जिस दिन हमारे अंदर यह एहसास जागेगा कि हम क्या मुंह लेके जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि हम वो उम्मती हैं जिन्होंने बड़ा सिलेक्टिवली अमल किया है आप सल्लल्लाहु वसल्लम के फरमुदात पर तो फिर ये चीज खत्म हो जाएगी हम एक अच्छे ये उम्मती बन जाएंगे कि आप सल्लाहलम के फट पे अमल करेंगे आप सल्लाह की सुन्नत पे अमल करेंगे इनका अगला सवाल ये है कि कोई ऐसा तरीका बता दीजिए और ऐसा कर दीजिए कि दिल रूह ख्वाहिश ख्याल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब से कभी किसी लम्हे निकल ही ना सके दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरे को सजेशन दे देना का दूसरे को नसीहत कर देने का वो तो मैं कर दूंगा फौरी तौर पर क्योंकि सबसे आसान काम है दुनिया का लेकिन ये जो आपने अगला हिस्सा फरमाया कि ऐसा कर दीजिए कि दिल रूह खाश खयाल आप वसल्लम के कुर्ब से कभी किसी लमहे निकल ही ना सकता हो अर्ली सेवेंटीज में अख्तर ने टीवी पर एक जोक सुनाया था कि कोई गरीब आदमी तरबूज ले आया था काटा तो जन बरामद हो गया तो उसने कहा कि ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं तुम्हारी बोल दो तो उसने सोच सोच के कहा कि मुझे एक महल बना दो तो ने कहा कि पागल हुए हो क्या अगर मैं महल बना सकता होता तो खुद तरबूज में रहता तो हजूर अगर मैं ऐसा कर सकता होता तो मैं खुद अपने लिए ना कर लेता ये तो मेहनत से ही होगा मैं यहां तशीफ लाने वाले हजरात से हमेशा एक बात कहा करता हूं कि रब ताला के निजाम में मेहनत पहले है और दुआ बाद में है लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए दुआ पहले और मेहनत बाद में अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो वो भी मशरूत है कि अगर बिल्कुल ही नागुजीर हो जाए तो कर लेंगे मेहनत व दुआ से काम चलाते रहिए ये काम भी मेहनत से ही होगा आप वाले वसल्लम की याद में महब रहिए ये चीज आप में पैदा हो जाएगी तरीका बता देता हूं मैं इनका अगला सवाल माफ कीजिएगा आपके पांच मिनट फालतू तो ले गया मैं इनशाला बशर्ते जिंदगी अगली इतवार बाकी साइन का उसके सवालों के जवाब अर्ज कर दूंगा और सब तक के लिए इजाजत दिए असलाइकुम